नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार दिन के अंदर अति संवेदनशील मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने वाला साइबर अपराधी को चार दिनों के अंदर किया गिरफ्तार। डेहरी नगर थाना क्षेत्र के सनी उर्फ आर्या राजपूत ग्राम नवाडी थाना कोड़ीगोला को बजरंग दल के कार्यकर्ता को किसी अज्ञात साइबर अपराध कर्मी के द्वारा व्हाट्सएप नंबर पर इंटरनेट जनरेट व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से चार दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसे वादी का पूरा परिवार काफी भयभीत था। इस संबंध में दिनांक 1/7/2022 को बजरंग दल के जिला संयोजक एवं कार्यकर्ता संदीप कुमार सिंह उर्फ आर्या राजपूत एवं बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता आवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक रोहतास से मुलाकात कर घटना संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रोहतास द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मामले की प्राथमिकता के साथ तकनीकी रूप से त्वरित जाँच की जाएगी तथा इसमें जो अपराध में शामिल होंगे उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा इस घटना को अति संवेदनशीलता एवं काफी गंभीरता से लिया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजीव रंजन नगर थाना डेहरी को अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश पुलिस कप्तान आशीष भारती ने दिया। इसके बाद इस संबंध में डिहरी नगर थाना कांड संख्या 470/22 दिनांक 1/7/2022 धारा 353A 506 भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया। गौरतलब है कि अन्य राज्यों में घटित विभिन्न घटनाओं के मद्देनजर कोई असामाजिकता का रंग ना ला दे तथा घटना घटित न हो जाए, इसके लिए रोहतास पुलिस हाई अलर्ट पर। पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार इसके मामले का उद्भेदन हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवजोत सिमी श्री राजेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक दल के नेतृत्व में दो विशेष जांच दल का गठन किया गया तथा इसमें जांच दल में पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष से डेहरी नगर थाना साइबर सेल से डेहरी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया तथा घटित विशेष टीम को विधिक संबद्ध कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस क्रम में विशेष टीम के द्वारा पारंपरिक एवं तकनीकी दोनों एंगल से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जब घटना का तकनीकी रूप से विश्लेषण किया गया तो अनुसंधान में पता चला कि जिस व्हाट्सएप नंबर से धमकी दिया गया वह नंबर इंटरनेट जनरेट एवं एक व्हाट्सएप फेक नंबर है। तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से उक्त घटना में एक संदिग्ध साइबर अपराधी के शामिल होने का पता चला, जिनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी प्रारंभ किया गया। इस दौरान साइबर अपराध कर्मी प्रतीक कुमार शर्मा पिता कमेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम धरहरा वार्ड नंबर 15 थाना दरिहट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में इस्तेमाल मोबाइल को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया गया कि राजस्थान के जयपुर घटना का नाम लेकर उन्होंने शनि कुमार सिंह और अर्जा राजपूत को इंटरनेट जनरेट व्हाट्सएप नंबर से धमकी देने की बात स्वीकार किया गया है।
अपराध कर्मी द्वारा बताया गया कि यह वादी से पूर्व से परिचित है। मोबाइल का जब विश्लेषण किया गया तो धमकी भरा मैसेज फोटो के साथ इस घटना में प्रयुक्त फोटो भी पाया गया, उन्होंने स्वीकार भी किया। 1 जुलाई को कुछ व्यक्ति पास यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा ऐसा बतलाया गया कि उनको व्हाट्सएप के एक व्यक्ति जिसका नाम है आर्यन सन्नी कुमार सिंह उर्फ आर्या राजपूत, उसके द्वारा यह बतलाया गया कि उसके व्हाट्सएप पे एक धमकी भरा मैसेज आया है। और इस उनके द्वारा ऐसा भी बताया गया कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और उक्त व्हाट्सएप के माध्यम से उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और जिस प्रकार से अन्य विभिन्न राज्यों में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उसके मद्देनज़र इसमें इस मामले के उद्भेदन हेतु तुरंत जो सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया और 2 विशेष टीम का इसमें गठन किया गया, जिसमें एक में एसटीपीओ डेरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, दूसरा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में जो साइबर सेल का कार्य भी देखते हैं उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस मामले में कांड दर्ज करने का निर्देश दिया गया। तुरंत इसमें कांड दर्ज किया गया और कांड दर्ज कर इस जो भी अपराधकर्मी है उसकी पहचान उसको शिनाख्त करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच किया गया तो पाया गया कि जो जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है वो व्हाट्सएप नंबर एक इंटरनेट जनरेटेड व्हाट्सएप नंबर है और वो फेक व्हाट्सएप नंबर है। तो उसके बाद उसका डिटेल निकाला गया और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से यह पता किया गया तो पता चला कि दरियाट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का मैसेज किया जा रहा है और तुरंत वहां पर पुलिस टीम को उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु भेजा गया और उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है प्रतीक कुमार शर्मा, पेशर कामेश्वर प्रसाद शर्मा, साकिन धरारा, वार्ड नंबर 15, थाना दरियाट का यह रहने वाला है। और इस घटना में उपयोग किया गया मोबाइल को भी उसके पास से जब्त किया गया है और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर के घटना का नाम लेकर के उसके द्वारा इस प्रकार से एक इंटरनेट जनरेटेड फेक व्हाट्सएप नंबर से धमकी भरा मैसेज दिया गया था और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वो वादी से पूर्व से परिचित है और उनका पूर्व से जान पहचान है। उस मोबाइल में वो धमकी भरा मैसेज या फोटो को भी पाया गया है और इनके द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इस प्रकार से रोहतास पुलिस के द्वारा इस अति संवेदनशील मामले में 4 दिन के अंदर उद्भेदन करते हुए साइबर अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है तथा आपराधिक घटना कारित होने से तथा विधि व्यवस्था को भंग होने से बचाया गया है। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मी को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस मामले में 1 मोबाइल जिसका घटना कारित करने में उपयोग किया गया था उसको बरामद किया गया है तथा 1 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में 4 दिन के अंदर उद्भेदन करते हुए साइबर अपराधी को गिरफ्तारी करते हुए अपराध घटित होने से पहले रोका गया। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मी को पुरस्कृत करने की बात रोहतास पुलिस कप्तान ने कही है। डिहरी से बिहार ऑन न्यूज के लिए ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा के साथ रोहतास संवाददाता पुष्पा गुप्ता का रिपोर्ट। नमस्कार।